हेलो स्टूडेंट, आज हम डिस्क्रीट मैथमेटिकल स्ट्रक्चर के यूनिट नंबर 4 में लेक्चर नंबर 32 ले रहे हैं। टॉपिक है प्रॉब्लम्स इन ग्रुप 3। फर्स्ट प्रॉब्लम है शो दैट द सेट 0 विद एडिशन इज ए ग्रुप। वेल, दिस इज एन ऑड एग्जांपल, बट लेट्स ट्राई आउट द 3 स्टेप्स। लेट्स फाइंड द आइडेंटिटी एलिमेंट। Well, that should not be too hard. If we add 0 to anything else in the group, we hope to get 0. Since the only other things in the group is 0 and 0 plus 0 equals to 0, we have found the identity. Because हम जानते हैं कि 0 identity, तो identity होता है addition के लिए, इसमें 0 ही एक element, तो 0 को 0 के साथ ही add किया जाएगा, इसलिए 0 plus 0 equals to 0. कोई other element नहीं ले सकते, एक ही element है इसके अंदर. तो 0 plus 0 equals to 0, so 0 is the identity element. Now we need to find inverse. Well, again we only have one element, so what's the inverse of the 0? We want 0 plus 0 inverse equals to 0, or 0 plus 0 equals to 0, so 0 inverse equals to 0. So 0 ka inverse bhi kya hoga? 0 hi hoga, because one hi element hai, uske sath inverse lena padega aapko. And 0 is in the group, so 0 inverse is also in the group. Since we have tried all the element, all one of them, we are done. Now associative, a plus b plus c equals to b plus c plus a. Well, since there is only one element, a equals to b equals to c. So 0 plus 0 plus 0 equals to 0 plus 0 plus 0. Of course, finally it is closed. If we take any element a and any element b, will have a plus b in the group. Well, since there is only one element 0, then a equals to 0 and b equals to 0. Is 0 plus 0 in the group? You bet it is. So it's closed. So 0 is the group with respect to addition. Now the next example. Show that the set minus 1, 1 is a group under multiplication but not addition. हमें प्रूव करना है कि सेट माइनस वन वन जो है, दो एलिमेंट है इसके अंदर, वो ग्रुप है मल्टीप्लिकेशन के लिए, लेकिन एडिशन के लिए ग्रुप नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल मल्टीप्लिकेशन के लिए लेते हैं, सेट को प्रूव करते हैं कि ग्रुप है। फर्स्ट इज देयर एन आइडेंटिटी। वेल, दिस इज गोइंग टू बी जी। देयर इज ओनली 3 पॉसिबिलिटीज, आइदर माइनस वन इज द आइडेंटिटी, वन इज द आइडेंटिटी, और देयर इज नो वन, देर इज नॉट वन एनी आइडेंटिटी। सो वन स्टार माइनस वन इक्वल्स टू माइनस वन, माइनस वन स्टार वन इक्वल्स टू माइनस वन, सो इट्स लुक्स लाइक वन इज द आइडेंटिटी, शुड हैव एक्सपेक्टेड दैट। नाउ वी नीड टू फाइंड इनवर्स, यानी इसमें हम माइनस वन को वन से मल्टीप्लाई करें या वन को माइनस वन से मल्टीप्लाई करें, दोनों ही कंडीशन में माइनस वन आ रहा है, मतलब वन का मल्टीप्लाई करने से अलग जिस एलिमेंट से मल्टीप्लाई करें वही एलिमेंट आ रहा है, सो वन इज द आइडेंटिटी एलिमेंट। नाउ we need to find inverses. If we have a in the group, then we need to able to find an a inverse such that a star a inverse equals to 1, or rather e. So let's start with 1. 1 star 1 equals to 1. So we know that if a equals to 1, a inverse equals to 1 as well. Now minus 1 star minus 1 equals to 1. So if a equals to minus 1, then a inverse equals to minus 1 as well. Since we have found an inverse for every element, we know the group is closed with respect to inverses. यानी इनवर्स के लिए हम देखते हैं कि वन का कंपोजिशन वन से ही करते हैं, मल्टीप्लीकेशन तो वन आता है, और ए इक्वल्स टू वन हो गया, इनवर्स भी वन हो गया, और माइनस वन का मल्टीप्लाई माइनस वन से करते हैं तो भी वन आता है। सो इफ ए इक्वल्स टू माइनस वन, देन इनवर्स इक्वल्स टू माइनस वन, यानी ए माइनस वन का इनवर्स क्या हो गया, माइनस वन ही हो गया, और वन का इनवर्स वन ही हो गया। एज वेल, सिंस वी हैव फाउंड एन इनवर्स ऑफ एवरी एलिमेंट, वी नो द ग्रुप इज क्लोज विद रेस्पेक्ट टू इनवर्स, इसलिए इनवर्स एलिमेंट एग्जिस्ट होगा इसमें, इसलिए ग्रुप है इनवर्स एलिमेंट के लिए। इज इट एसोसिएटिव ए स्टार बी स्टार सी इक्वल्स टू ए स्टार बी स्टार सी। वेल, सिंस वी हैव ओनली 2 नंबर्स, वी कैन ट्राई एवरी पॉसिबिलिटीज, एंड इफ यू रियली वॉन्ट टू यू कैन, बट इट शुड बी प्रेटी ऑब्वियस दैट इट इज फाइनली इज इट क्लोज्ड। 1 star 1 in the groups, yes, how 1 star minus 1, yep, and minus 1 star minus 1, and finally minus 1 star 1, so it is closed under the operations. 1 star minus 1 करते हैं तब क्या आएगा, minus 1 आता है, और
माइनस वन मल्टीप्लाई माइनस वन करते हैं तो प्लस वन आता है, और माइनस वन मल्टीप्लाई प्लस वन करते हैं तो माइनस वन आता है। इसका मतलब ये जो एलिमेंट ले रहे हैं इसके हम, उन सबसे हमारे माइनस वन और वन ही एलिमेंट आ रहे हैं, इट मीन्स ये क्लोज है फॉर द मल्टीप्लीकेशन ऑपरेशन। सो माइनस वन इज अ ग्रुप अंडर मल्टीप्लीकेशन, ये प्रूव हो गया कि माइनस वन वन ग्रुप है मल्टीप्लीकेशन। लेकिन एडिशन के लिए ऐसा नहीं होगा, बिकॉज यदि हम माइनस वन का प्लस वन में ऐड करते हैं तो क्या आएगा, जीरो। जीरो तो इसमें एग्जिस्ट ही नहीं है, इसलिए क्लोज्ड ही नहीं है, क्लोज्ड ही नहीं है, तो आगे ग्रुप कैसे प्रूव करेंगे इसे। इसलिए ये एडिशन के लिए माइनस वन वन इज नॉट ए ग्रुप। सो इट्स प्रूव दैट माइनस वन वन इज ग्रुप फॉर मल्टीप्लीकेशन नॉट बट नॉट फॉर एडिशन। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, शो दैट द सेट ऑफ ऑल इंटीजर माइनस फोर माइनस थ्री माइनस टू माइनस वन जीरो वन टू थ्री फोर इज एंड सो ऑन इज एन इनफाइनाइट अबेलियन ग्रुप विद रेस्पेक्ट टू द ऑपरेशन ऑफ एडिशन ऑफ इंटीजर। लेट अस टेस्ट ऑल द ग्रुप एक्सियम्स फॉर एन अबेलियन ग्रुप क्लोजर एक्सियम्स। वी नो दैट द सम ऑफ एनी टू इंटीजर्स इज ऑल्सो एन इंटीजर्स फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू जेड देन ए प्लस बी ऑल्सो बिलोंग्स टू जेड दस जेड इज क्लोज विद रेस्पेक्ट टू एडिशन। सेकेंड इज एसोसिएटिव एक्सियम्स। Since the addition of integer is associative, the associative axiom is satisfied for ABC belongs to Z such that A plus B plus C equals to A plus B plus C. Now existence of identity. We know that 0 is the additive identity of and 0 belongs to Z, then 0 plus A equals to A equals to 0 plus A plus 0 all belongs of A belongs to G, hence additive identity exists. यानी किसी भी एलिमेंट के साथ यदि एडिशन करते हैं जीरो का तो इट मींस वही सेम एलिमेंट आ जाता है, इट मींस जीरो इज द आइडेंटिटी एलिमेंट। नाउ एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, इफ ए बिलोंग्स टू जेड एंड माइनस ए बिलोंग्स टू जेड ऑल्सो माइनस ए प्लस ए इक्वल्स टू जीरो और ए प्लस माइनस ए दस एवरी इंटीजर पजेसेस एडिटिव इनवर्स देयरफॉर जेड इज ए ग्रुप विद रेस्पेक्ट टू एडिशन। सिंस द एडिशन ऑफ इंटीजर इज ए कम्यूटेटिव ऑपरेशन देयरफॉर ए प्लस बी इक्वल्स टू बी प्लस ए ऑल वैल्यूज ऑफ ए बी बिलोंग्स टू जेड and Z plus as an abelian group, also Z contains an infinite number of elements, therefore Z plus is an abelian group of infinite order. इस तरह से हमने इसको ग्रुप प्रूव कर दिया, क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होती है, एसोसिएट प्रॉपर्टी, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स सभी एग्जिस्ट हैं, इट मीन्स ये क्या है, एक ग्रुप है। बट इट इज अबेलियन ऑल्सो बिकॉज ए प्लस बी इक्वल्स टू बी प्लस ए All values of A belongs to G. तो अबेलियन ग्रुप भी है, एक तरह से ग्रुप के साथ अबेलियन भी है। Now the next example, show that the set of all non-zero rational number with respect to the operation of multiplication is a group. हमें प्रूव करना है कि जो non-zero rational number होते हैं multiplication operation के लिए वो ग्रुप होता है। Solution: Let the given set be denoted by क्यू जीरो। सपोज हम नॉन जीरो रेशनल नंबर को क्यू से डिनोट कर रहे हैं, देन बाई ग्रुप एक्सियम्स वी हैव जी वन। वी नो दैट द प्रोडक्ट ऑफ टू नॉन जीरो रेशनल नंबर इज ऑल्सो ए नॉन जीरो रेशनल नंबर, देयरफॉर क्यू जीरो इज क्लोज विद रेस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन, हेंस द क्लोजर एक्सियम्स इज सेटिस्फाइड। हम जानते हैं कि दो रेशनल नंबर का मल्टीप्लाई भी, नॉन जीरो रेशनल नंबर का मल्टीप्लाई भी एक रेशनल नंबर होता है, इट मीन्स क्यू जीरो क्लोज है विद रेस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन। जी टू, वी नो दैट फॉर रेशनल नंबर ए मल्टीप्लाई बी देन मल्टीप्लाई सी इक्वल्स टू ए मल्टीप्लाई बी मल्टीप्लाई सी फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू क्यू जीरो, हेंस द एसोसिएटिव एक्सियम्स इज सेटिस्फाइड। नाउ जी थ्री, सिंस वन इज द मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी इज ए रेशनल नंबर, हेंस द आइडेंटिटी एक्सियम्स इज सेटिस्फाइड। क्योंकि इसमें वन आइडेंटिटी होता है मल्टीप्लीकेशन के लिए रेशनल नंबर में, इसलिए आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट हो गया इसमें। इफ ए बिलोंग्स टू क्यू जीरो दैन ओबियस वन इंटू ए बिलोंग्स टू क्यू जीरो ऑल्सो वन ए इंटू वन इक्वल्स टू वन इंटू ए इंटू वन ए। सो वन ए वन ए इज द मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स ऑफ ए, दस द इनवर्स एक्सियम्स ऑल्सो सेटिस्फाइड एंड क्यू जीरो इज ए ग्रुप विद रेस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन। इसलिए से क्यू जीरो क्या हो गया, ग्रुप हो गया मल्टीप्लीकेशन के लिए। नेक्स्ट एग्जाम्पल, शो दैट सी सेट ऑफ ऑल नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर इज ए कम मल्टीप्लीकेटिव ग्रुप। ये प्रूव करना है कॉम्प्लेक्स
नंबर का जो सेट सी है वो भी क्या होता है, ग्रुप होगा मल्टीप्लीकेशन के लिए। सॉल्यूशन, लेट सी इक्वल्स टू जेड सच दैट जेड इक्वल्स टू एक्स प्लस आयोटा बाई एक्स वाई बिलोंग्स टू आर। हियर आर इज द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स एंड आयोटा इक्वल्स टू माइनस वन, और आयोटा स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस वन। क्लोजर एग्जांपल्स, इफ ए प्लस आयोटा बी बिलोंग्स टू सी एंड सी प्लस आयोटा डी बिलोंग्स टू सी, देन बाय द डेफिनेशन ऑफ मल्टीप्लीकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर ए प्लस आयोटा बी मल्टीप्लाई सी प्लस आयोटा डी इक्वल्स टू ए सी माइनस बी डी प्लस आयोटा ए डी प्लस बी सी बिलोंग्स टू सी। सिंस ए सी माइनस बी डी ए डी प्लस बी सी बिलोंग्स टू आर, फॉर ए बी सी डी बिलोंग्स टू आर, देयरफॉर सी इज क्लोज अंडर मल्टीप्लीकेशन। एसोसिएटिव एग्जांपल्स, ए प्लस आयोटा बी मल्टीप्लाई सी प्लस आयोटा डी मल्टीप्लाई ई प्लस आयोटा एफ इक्वल्स टू ए सी माइनस ए डी एफ माइनस बी सी एफ माइनस बी डी प्लस आयोटा ए सी एफ प्लस ए डी प्लस बी सी माइनस बी डी एफ इक्वल्स टू ए प्लस आयोटा बी मल्टीप्लाई सी प्लस आयोटा डी मल्टीप्लाई ई प्लस आयोटा एफ फॉर ए बी सी डी बिलोंग्स टू आर। नेक्स्ट जी थ्री, आइडेंटिटी एग्जांपल्स, इक्वल्स टू वन वन प्लस आयोटा जीरो इज द आइडेंटिटी इन सी, देन इनवर्स एग्जांपल्स ए प्लस आयोटा बी नॉट इक्वल्स टू जीरो belongs to C, then A plus iota B inverse equals to 1 upon A plus iota B or A square minus 2 iota AB plus B square. Hence, A plus iota B ka whole inverse equals to A square plus B square plus iota AB plus BA. Then A plus iota B ka whole inverse equals to M plus iota and belongs to C. Hence, M equals to A square plus B square and equals to A 2AB plus B. एन सी इज मल्टीप्लीकेटिव ग्रुप। ये सभी कुछ एक क्लोजर प्रॉपर्टी हो रही है, एसोसिएटिव भी है, आइडेंटिटी इनवर्स एलिमेंट एग्जिस्ट है, इट मीन्स ये क्या हो गया, मल्टीप्लीकेशन के लिए ग्रुप है। इस तरह से ये लेक्चर कंप्लीट होता है। थैंक्स ऑल ऑफ यू।